डायबिटीज के मरीजों के लिए अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है, क्योंकि अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल शरीर में बहुत सारी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। हाई ब्लड शुगर आपकी किडनी, दिल और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसे नियंत्रित करना बहुत अहम है। तो अगर आपको भी हाई ब्लड शुगर है और आप इसके लेवल को कम करने की कोशिश में हैं, तो इसके लिए आप कुछ ये तरीके अपना सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाने की समस्या तब और बढ़ जाती है जब आप अपने आहार पर ध्यान नहीं देते। अगर आप ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, तो उसके साथ साथ आपको अपने आहार पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आहार लें। आपको कार्ब्स कम खाने चाहिए और फाइबर से भरपूर आहार लेना चाहिए। एक्सरसाइज करने से भी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, लेकिन ध्यान रखें कि आप कोई एक्सट्रीम एक्सरसाइज ना करें और वॉकिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग जैसी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस ही करें। हाइड्रेशन भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का एक तरीका है। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ जाए, तब पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को स्थिर करने में मदद करता है। घरेलू उपायों की बात करें तो कहा जाता है कि दालचीनी के इस्तेमाल से इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। ये ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने और नियंत्रित करने में मददगार है। ऐसा माना जाता है कि इसके नियमित सेवन से मोटापे को भी कम किया जा सकता है। दालचीनी को पीसकर पाउडर बना लें और उसे गुनगुने पानी के साथ लें। लेकिन यहाँ आपको इसकी मात्रा का विशेष ध्यान देना है, इसका बहुत ज्यादा सेवन बिल्कुल नहीं करें। जामुन के बीज शुगर को कम रखने में मददगार साबित होते हैं। हाई ब्लड शुगर के लिए जामुन के पत्ते, बीज और बेर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जामुन के सूखे बीजों को पीस लें और पानी के साथ इसे दिन में दो बार लें। तुलसी की पत्तियां भी इसमें मदद कर सकती हैं आपकी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को इंसुलिन के प्रति सक्रिय बनाती हैं। ये सेल्स इंसुलिन के स्राव को बढ़ाती हैं। सुबह उठकर खाली पेट 2 से 3 तुलसी की पत्तियां चबाएं और आप चाहें तो तुलसी का रस भी पी सकते हैं। तो इन तरीकों से आप अपने शुगर लेवल को कम कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि डायबिटीज में अपने डॉक्टर की सलाह लेना सबसे अहम होता है।